दोस्तों अजय देवगन बनने वाले हैं विलन। जैसे तो 15 सालों बाद एक बार फिर से अजय देवगन हमें खतरनाक विलन के रूप में दिखेंगे। जैसा कि इससे पहले अजय देवगन पहली बार 2002 में आई फिल्म दीवानगी में हमें ग्रेसेड रोल में दिखे थे और इसके लिए अजय देवगन को फिल्म फेयर बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। ऐसे दोस्तों यहाँ देखा जाए तो टोटल 3 बार अजय देवगन विलन का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन यह पिछले 15 सालों से अजय देवगन का विलन अवतार हमें देखने को नहीं मिला और इसमें यहाँ एक बार फिर से अजय देवगन अपने उसी विलन अवतार को ला रहे हैं फिल्म दीवानगी के सीक्वल के जरिए। जैसे कि 2002 में दीवानगी फिल्म आई थी और इस फिल्म में अजय देवगन हमें एक स्प्लिट पर्सनैलिटी के रूप में दिखे थे और यह दीवानगी के सीक्वल में भी अजय देवगन का किरदार कुछ इसी तरह का होगा और वह इस फिल्म में अजय देवगन का लीड रोल होने वाला है और इस फिल्म के स्क्रिप्ट पर भी अच्छा खासा काम हो गया है और इसमें अजय देवगन बैक टू बैक हमें हीरो और कॉमेडी किरदार में दिख रहे हैं, लेकिन अजय देवगन करना चाहते हैं एक विलन का किरदार और इसमें खुद अजय देवगन भी विलन किरदार के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और जैसे कि दीवानगी फिल्मों में हमें अजय देवगन के साथ ही अक्षय खन्ना और उर्मिला मातुरकर दिखी थी और इसमें इन दोनों स्टारों को भी दीवानगी 2 में लिए जाने का मन बनाया जा रहा है। इसमें दोस्तों तैयार हो जाइए अजय देवगन को एक ग्रेसेड किरदार में देखने के लिए और यह दीवानगी 2 में अजय देवगन का किरदार आपको हैरान कर देगा और इस फिल्म की अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है। दोस्तों क्या आप भी अजय देवगन को एक दमदार विलन किरदार में देखना चाहेंगे, हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।